मन है हर हर मोदी और पूरा पश्चिम बंगाल में घर घर मोदी। मोदी जी आएंगे हम लोग को बाहुबल बढ़ाएंगे। हाँ, विश्वास है, विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। कश्मीर था वो हम लोग का भारत माता की मुकुट था। हाँ, वो तो हमने छीन के ले लिया। हाँ, अब तो ये पश्चिम बंगाल हम लोग का चरण है। हाँ, मोदी जी जब ऐसा देखेगा अभी तो आज तो हम प्रण जी हो। बैंक लोन भी है। हाँ, उस घर को कब्जा कर लिया टीएमसी वालों ने। जो विरोधी करते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, अगर ये तो है बोल के छोड़ दे रहा, अगर जोगी जी आ जाएगा ना मुँह तो सिलाई काट देगा दादा। इसका बारे में 2000 इसका बाद हम लोग तो 45 में राज करेंगे अब तक। हाँ, मगर मोदी जी का बाद आएगा जोगी जो तैयार हो रहा है दादा। बंगाल का डाइनी बुरी। हाँ, वो बंगाल का बेटी नहीं है, वो बंगाल का डाइनी बुरी है, वो भागेगा। वो तो कहती है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, सेवा में लगी हूँ। अरे वो बंगाल से है या क्या का है उसका पता नहीं है। अगर जब इंग्रेज था हम उसको बोलते थे क्या वंदे मातरम, वो लोग सोचते कहा बोल रहा है दादा, वंदे मातरम माने कि बंदो करे मारवे ना कि। हाँ, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसे ही है, जय श्री राम, कोई भागता है हम लोग। हाँ, क्या करे दादा, हम तो कहते हैं गाली देते हैं मुझे। देखिए अगर इसलिए उसको गाली मालूम होता है। हाँ, वो खुद भूत है दीदी। हाँ, भूत है। हाँ, इसलिए उसको जय श्री राम से डर लगता है और भागता है। कौन सा वाला 200 पार कैसे सरकार कैसे कैसे। हाँ दीदी गई, अब कहाँ गई? बंगाल से अब गई बांग्लादेश। ममता दीदी को राम के नाम से भूत दिखता है। हाँ, जो नाम से भूत भागता है। हाँ, उनको दिखता है भूत। दीदी नारी होकर नारी का सुरक्षा नहीं है। मोदी जी हम लोगों का नारी का सुरक्षा देगा, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। हम लोग कमल फूल में छाप लगाएंगे। अच्छा। इतना हम लोग को विश्वास दे दिए हैं कि लगता है कि हम लोग फूले नहीं समाते हैं, इतना मोदी जी हम लोग को दे दिए है। लग रहा है दीदी दीदी नहीं ना, दीदी नहीं, दीदी तो जीता जागता जान मार देती है हम लोग को। जिंदा रहते हुए जिंदा नहीं है हम लोग। नरेंद्र मोदी जी के ऐसे फैन हमने बंगाल के अंदर देखे हैं, जो तस्वीर हाथ में लेकर के और जो भक्ति की आराधना में नरेंद्र मोदी लीन है वो वाली तस्वीर लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तस्वीर के माध्यम से? तो हम देना चाहते हैं ये है हमारा मोदी जी, जो हम लोग का दापर युग में जो विक्रमादित्य राजा था, वही हम लोग का कोहिनूर से सोमनाथ मंदिर में पूजा किया था, वही रूप में आया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी ये इसका थोड़ा स्वयं इससे शिव बाबा अमर शिव बाबा से परम धाम परमात्मा उना से यहाँ इसका टच है, वो अभी तुरंत आ जाएगा। ये हम लोग का दिल का धरती है, का बोले मन है हर हर मोदी और पूरा पश्चिम बंगाल में घर घर मोदी। अभी जो लोग इसका बारे में थोड़ा गलत बोल रहा है, अब 2-3 कुछ दिन का बाद देखिएगा वो लोग सब इस पर आ जाएगा। सच्चा है, सच्चा का नौका थोड़ा ढीला ढुला होता है मगर डूबता नहीं। ये हम लोग का दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी जी के अंदर, वो तो विश्व गुरु है। देखिए सबसे बड़ा बात है हम लोग का जो कश्मीर था वो हम लोग का भारत माता की मुकुट था। हाँ, वो तो हमने छीन के ले लिया। हाँ, अब तो ये पश्चिम बंगाल हम लोग का चरण है। हाँ, मोदी जी जब ऐसा देखेगा अभी तो आज तो हम प्रण जी हो। अरे क्या बात कह दी आपने, तो बंगाल में परिवर्तन एकदम दादा। नहीं तो नहीं, बहुत आदमी हम तो दादा मेरा बहुत तकलीफ है दादा। हाँ, थोड़ा हम लोग का बारे में देखेगा, थोड़ा हम लोग का मावन जब घर से बाहर आएगा थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा, अच्छा करके होगा, रविंद्र जयंती होगा, अब तो सब बंगाल में बंद ही हो गया। हाँ, हम लोग का बहुत इच्छा है, हम लोग पूरा कल्चर था पहले का, हम लोग हिंदू है, थोड़ा गर्व से बोलना होगा हम लोग हिंदू है क्या दादा। जय श्री राम। हम लोग का स्वामी विवेकानंद जो था तो अब देखा किसमें कितना बोला। क्या लग रहा है कि जो फोटो में देख रहे हैं माला पहनी हुई है रुद्राक्ष की और हाथ पे माथे पे त्रिकोण लगाए हुए नरेंद्र मोदी, यहाँ पर बंगाल के अंदर रामनवमी नहीं मनाने दिया जाता है, जो बसंत पंचमी है वो नहीं मनाने दी जाती है, उसके लिए परमिशन चाहिए, क्या परिवर्तन होने के बाद भी ऐसा होगा क्या? नहीं दादा ये तो गारंटी नहीं होगा, काय किसी का धर्म में कोई टच होना नहीं चाहता, यही तो भारत है। हाँ, भारत यही तो है। अगर आप दूसरों को देखेगा थोड़ा उधर को देखेगा हम लोग को नहीं देखेगा, तो ऐसा नहीं राजनीति होता, यही आदमी है सबको सब देखता है, जैसा जोगी जी है। आप देखिएगा इस जो विरोधी करते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ, अगर ये तो है बोल के छोड़ दे रहा, अगर जोगी जी आ जाएगा ना मुँह तो सिलाई काट देगा दादा। इसका बारे में 2000 इसका बाद हम लोग तो 45 में राज करेंगे अब तक। हाँ, मगर मोदी जी का बाद आएगा जोगी जो तैयार हो रहा है दादा। हाँ, एकदम दादा। तो क्या लग रहा है कि योगी जी तैयार हो रहे हैं बंगाल में आते हैं, दीदी उनको परमिशन नहीं देती है रैली करने के लिए? देखिए वो उसका मैटर है, राजनीति। हाँ, बहुत तरफ से, मगर ऐसा राजनीति नहीं होता। हाँ, राजनीति हम अगर अच्छा काम करेगा, जैसा मोदी जी के लिए यहाँ आया। हाँ, कोई तो पैसा लेके नहीं आया, सब दिल से आया, यही तो बात है दादा। मोदी है
अच्छा काम करो दादा, अच्छा आएगा होता है। क्या लग रहा है जय श्री राम का उस गो सब की बार बंगाल में चलेगा? राम राम तो हमारा, हम लोग का, हम हिंदू है दादा, गर्व से बोलिए हम हिंदू है। राम तो हमारा देवता है, यही तो बात है। इसमें क्या बात है, अगर कोई कोई चिरा जाता है तो इसमें तो हम लोग का तकलीफ नहीं है। अगर जब इंग्रेज था हम उसको बोलते थे क्या वंदे मातरम, वो लोग सोचते कहा बोल रहा है दादा वंदे मातरम, माने कि बंदो करे मारवे ना की, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसे है जय श्री राम, कोई भागता है हम लोग क्या करे दादा। हम तो कहते हैं गाली देते हैं मुझे, देखिए अगर इसलिए उसको गाली मालूम होता है, वो खुद भूत है दीदी, भूत है हाँ, इसलिए उसको जय श्री राम से डर लगता है और भागता है। कौन सा वाला भूत है? और सुनिए कौन से वाला भूत है? ओ काला वाला भूत है, काले वाला है हाँ। तो दिखाई देता है वो भूत, वो भूत उसको दिखाई देता है हाँ। राम नाम का भूत उसको दिखाई देता हाँ। है इसलिए वो भागता है। देखिए साहब दो तारीख का बाद बंगाल का कहानी, हमारा मकान है 13 शतक मिट्टी में, वो मकान का पूरा कागजात है, म्यूटेशन कन्वर्सेशन प्लान पास कंप्यूटर खोतियार बैंक लोन भी है हाँ। उस घर को कब्जा कर लिया टीएमसी वालों ने, पुलिस में गया तो केस नहीं लिया, 1.5 साल से केस लड़ रहा है, अभी हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दिया है। हमारा लग रहा है आपकी बार बदलाव एकदम 200 पार कैसे सरकार कैसे हाँ दीदी गई, अब कहाँ गई? बंगाल से अब गई बांग्लादेश, कहती है बंगाल बंगाल की बेटी हूँ मैं। आपकी बार मोदी सरकार हम लोग का बंगाल में जो राजनीति चल रहा है ममता बनर्जी का, वो तोलाबाज भाईपो है, तोलाबाज जो सरकार बना हुआ है, अब की बार अब आएगा मोदी सरकार। आ रही है बंगाल का डायनी बुरी, वो बंगाल का बेटी नहीं है, वो बंगाल का डायनी बुरी है, वो भागेगा। वो तो कहती है कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, सेवा में लगी हूँ। अरे वो बंगाल से है या क्या का है उसका पता नहीं है, पता नहीं है। अभी क्या लग रहा है? देखिए हम लोग मोदी जी के आदर्श में चलते हैं, हम जो भाजपा करते हैं हम लोग मोदी जी के आदर्श में चलते हैं, इसलिए बोलते हैं पहले भारत माता की जय, क्योंकि हमारे लिए पहले देश है। देश का जो आदमी है, जो खटके खाता है, मैं आप यहाँ पे जो जो आदमी है, आदर्श में चलते हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी तो ये कहते हैं जय श्री राम के नारे से ममता दीदी डर जाती हैं, क्यों? ममता दीदी को राम के नाम से भूत दिखता है हाँ। जो नाम से भूत भागता है हाँ। उनको दिखता है भूत हाँ। क्योंकि जो राजनीति वो कर रही है वो राजनीति नहीं है। कुर्ता तो भगवा पहना बड़ा अच्छा लग रहा है, और योगी जी आते हैं भगवे कपड़े में, वो कहते हैं कि जय श्री राम का नाम लेते हैं तो हनुमान जी भी कहते हैं कि नैया पार हो जाएगी, दीदी डर जाती हैं? दीदी डर जाती है, जो डर उनके अंदर है हाँ। ये डर रहना चाहिए जरूर रहना चाहिए, डर अच्छा है, डर अच्छा है, आदमी के चलते डर अच्छा है। वो जो डर रही है क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आज तक उन्होंने जो किया बंगाल में उन्होंने फेयर काम नहीं किया है, नहीं किया है। वो जो राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है एक आधार पे कर रही है हाँ, खुद के आदमियों को करोड़पति लखपति जो है, जो रिक्शा चलाता था वो ट्रेड यूनियन का लीडर था, वो आज आपका ऑडी लेके घूम रहा है, उनका चार तला चार माले का बाड़ी है, क्या कर रही है? तो विकास तो हुआ ना, विकास कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह हुआ है, जहाँ से वोट अच्छा मिला है वहाँ पे हुआ है। भगवा वाले को या एक भाजपा वाले को कैसे दबाया जाता है, कभी आप वहाँ पे आइए, आके देखिए। पेट्रोल बम भी मार दिए जाते हैं, पेट्रोल बम हाँ, पेट्रोल बम मारता है, मेरे ऊपर 4 ठो केस चल रहा है हाँ। मेरे ऊपर 4 ठो केस चल रहा है अभी हाँ, 4 बार अटैक हो चुका है, क्योंकि देखिए जो राजनीति जो फिर भी मोदी को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। क्या देखा मोदी के अंदर? मोदी जी के अंदर मैंने जो देखा है उनका सद्भाव, सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही है मोदी जी का आदर्श, वही आदर्श लेके हम लोग भी चलते हैं, चाहे 50 केस हो जाए हाँ चलेगा साहब, चलेगा अच्छा चलेगा। ऐसा बहुत आदमी है जिनका 60, 61, 62 भी केस चल रहा है वहाँ पे केस चल रहा है, ऐसा भी है। तो क्या लग रहा है सर, ऐसी गर्मी का तापमान है, सिर चढ़ के बोल रहा है, कोर्ट में घूम रहे हैं, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? ना परिवर्तन तो ये जो जनता का ढल आया है ना, ये तो परिवर्तन का आवाज उठ गया, यहाँ उठ गया हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकते हैं कि हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो नरेंद्र मोदी जी जिस टाइम वो
कुर्सी पर नहीं था उस टाइम में क्या हुआ, जे 143 कंट्री से हमारा नंबर था, 195 कंट्री था उसके में 143 नंबर लग गया, लेकिन अभी 73 नंबर आ गया। तो क्योंकि 43 नंबर देश विदेश में नाम बढ़िया हो रहा है, बंगाल की स्थिति में क्या परिवर्तन दिख रहा है? बंगाल का स्थिति परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो सरकार है ये सरकार आम आदमी का, आम आदमी जो सोचता है ये उसी मुताबिक काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये अपना जो कंपनी है एक कंपनी के डेवलपमेंट करने के लिए जो किया है आप सब देख रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है इसीलिए। और जो अम्फान का क्या लग रहा है कि जो दीदी है भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम से लड़ रही हैं, क्या कुछ डर लग रहा है इसलिए जा रही है? नंदीग्राम उसका जवाब देंगे, नंदीग्राम उस जवाब देंगे, नंदीग्राम में जो किया है वो जो वादा किया है वो वादा पूरा नहीं किया है, इसीलिए नंदीग्राम उसको हरवा देंगे। तो क्या लग रहा है आपकी बात, टक्कर कैसी दिख रही है? टक्कर देख रहे हैं कि आप लिख लीजिए 30 से 35 आसन मिलेगा उसको। अच्छा। और 150 से 70 तक, 150 से 170 तक ये भाजपा का हमारा 19 में आधा 21 में साफ दिखाई दे रहा है। हाँ साफ, पूरा साफ। तो इसलिए बोलेंगे मोदी सरकार आ रहा है ना, महिला लेके सेफ है। अच्छा, महिलाओं को लगता है कि कुछ नरेंद्र मोदी में कुछ अलग है ममता दीदी से? दीदी नारी होकर नारी का सुरक्षा नहीं है, मोदी जी हम लोगों का नारी का सुरक्षा देगा, इसलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। अभी हमने देखा एक बुढ़िया है उनके ऊपर अटैक हुआ, नारी शक्ति होकर भी उन नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए तो हम लोग मोदी जी का वोट दे रहा है। अच्छा। मोदी जी का समर्थन में है हम लोग। तो क्या दिखाई देता है महिलाओं को, क्या देखती है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो क्या सुरक्षा है या फिर क्या चीजें अलग दिखाई देती है? मोदी जी तो महिला के लिए बहुत कुछ किया है, घर घर में गैस दिया है, जनधन अकाउंट में महिला को टाका भेजा है, कोरोना परिस्थिति में महिलाओं को टीका मिला है, इसलिए हम लोग मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है? और नहीं, कांग्रेस भी है यहाँ पे, वामपंथी भी है, किसी को नहीं, हम लोग कमल फूल में छाप लगाएंगे। अच्छा, वही वाला नारा चल रहा है कि 2019 में चुप्पे छाप कमल छाप, ऐसा नारा चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा चल रहा है, घर में चल रहा है ना, चुपचाप कमल फूल में छाप। अच्छा, उजागर नहीं है? नहीं, तृणमूल का कोनो उजागर नहीं है, घर घर मोदी, घर घर मोदी। लग रहा है कि जो घर घर मोदी वाला नारा है वो दोबारा से, या जय श्री राम का नारा है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है? अगली बार 200 पार, अगली बार 200 पार। तो 2 मई को क्या लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि ममता जी गई, तो ममता गई, 2 मई को हम लोग गेरुआ अभी उड़ाएंगे पूरा पश्चिम बंगाल में, भगवा मैं पूरा। आपका क्या नाम है? मोदी जी आएंगे, हम लोग को बहुत बल बढ़ाएंगे। हाँ, विश्वास है? विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। क्या दिखाई देता है मोदी में? अरे मोदी जी तो अभी तो पहुँचे नहीं है, इतना हम लोग को विश्वास दे दिए हैं कि लगता है कि हम लोग फूले नहीं समाते हैं, इतना मोदी जी हम लोग को दे दिए है, पेट में खाने का और घर में चूल्हा चक्की का, हर जिनिस का, गैस का, हर जिनिस का हम लोग को सुविधा दिए है। लग रहा है दीदी नहीं? ना दीदी नहीं, दीदी तो जीता जागता जान मार देती है हम लोग को, जिंदा रहते हुए जिंदा नहीं है हम लोग। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा है वो, मैंने हम लोग को ध्वंस कर दे देती है। हाँ, आपको क्यों लगता है ऐसा कि एक महिला के लिए ऐसी बातें कर रही है? वैसी है, पहले तो उसको दोनों हाथ पर के हम लोग उठाए थे, वो बोले थी कि पश्चिम बंगाल को हम एकदम लंदन बना देंगे बोली थी, तो हम लोग दोनों हाथ पकड़ के उनको भी उठा लिए कि चलो भाई एक महिला को साथ देगी, मगर वो साथ क्या देगी, वो तो हम लोग को पूरा एकदम बर्बादी कर दी। अच्छा। हम लोग जाते हैं कोई बात के लिए, उनको कर्ता के लिए बोलते हैं वो जाओ अपना घर, जा अपना घर जाकर बैठो, यहाँ चली जाती। दीदी से मुलाकात हुई है? अभी तो नहीं हुई है दीदी से मुलाकात। अगर दीदी से मुलाकात हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे जो अभी कह रहे हैं, तो उनको मुंह पर कहेंगे हम लोग। हाँ, आप दीदी जाएगी मंच से, कहती है काका चीची को कुछ समझ नहीं आता है, क्यों ऐसी बातें करने लगती है? पागल नहीं हुई है, सियाना पागल है। दीदी पागल हो गया वो, मतलब जो अम्फन हुआ है ना, अम्फन का गरीब का चावल भी वो खा गया, वो भी खाया, भाईपा भी खाया, जितना टीएमसी का नेता है। क्या दीदी, दीदी 17 लाख टन दाल खा लिया। क्या लगता है मंच पे दीदी काका चीची ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है? चीची, त्रिपल चोर,
गैस चोर, आलू चोर, दाल चोर, करसिन चोर, चोर तिरपा चोर, चार चोर। कोरोना का वैक्सीन भी चढ़ गया, चोरी हुआ पश्चिम बंगाल में। क्या नहीं किया, क्या चोरी का बताएं, सभी चोरी। परिवार का आदत है। आने के पहले हम एक बात बोले मीडिया के तरफ से, हम तब तृणमूल कांग्रेस करता रहा पहला दिन से, ये अभिषेक बनर्जी जब ऑल इंडिया तृणमूल युवा जो एक संगठन लाया ममता बनर्जी, उसका हेड जब बनाया 13 रुपया करके लिया कार्ड बनाने का थी, मैंने कभी पूरा हम नहीं बोले, फिर भी 70 से 80 लाख लड़का वही ऑल इंडिया युवा का है कार्ड कराने के 13 रुपया ले जाए, करोड़ों रुपया इतना गया, कहाँ गया।